बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। अब सबसे रिक्वेस्ट है हमारे ताज़ा गल्फ न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए। आज फर्स्ट सफ़र है 1442 हिजरी, 18 सितंबर 2020 बरोज़े जुमा। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, माशाल्लाह अभी 593 केसेस आज की तारीख तक आए हुए हैं, यानी कल जुमेरात की शाम तक का जो केस था 593, यानी 600 से भी कम, 600 से भी कम। ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह। और 4399 लोगों का इंतकाल हुआ है और 307,000 लोग जो है माशाल्लाह शिफायाब पा चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। ये सऊदी अरब में माशाल्लाह सबसे बेहतरीन तरीके से लॉकडाउन करके, कर्फ्यू करके कंट्रोल किया गया है, बेहतरीन तरीके से। अब जबकि सब कुछ कंट्रोल हो गया है तो अब परमिशन सबको दिया गया है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंडिया में इस वक्त 118,455 लोग इस वक्त कोरोना के संक्रमण में एक्टिव है और 84,404 लोगों का इंतकाल हो चुका है और 4.10 मिलियन लोग रिकवर हो चुके हैं। ये ज़रूरी है, हमको बिल्कुल बराबर दुआ करते रहना चाहिए। पहले हम सऊदी अरब में दुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ से कोरोना ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। अब हम सब लोगों को इंडिया के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए, यहाँ से भी हर किस्म का कोरोना ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह पाकिस्तान से भी अच्छे नतीजे आ रहे हैं, 6066 लोग इस वक्त कोरोना में एक्टिव है और 6399 लोगों का इंतकाल हो चुका है और 291,000 जो है रिकवर हो चुके हैं, शिफायाब हो चुके हैं। यहाँ भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। दुबई में दोस्तों कोरोना जो है थोड़ा बढ़ गया है, 10,050 लोग जो है इस वक्त कोरोना के अंदर एक्टिव है, 402 लोगों का इंतकाल हो चुका है, 72,117 लोग शिफायाब हो चुके हैं। यहाँ पे कोरोना थोड़ा जो है बढ़ गया है, आप सब लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे ज़रा दुआ करें ताकि यहाँ से मुकम्मल कोरोना ख़त्म हो जाए। आइए एक नज़र स्क्रीन पे डाल लेते हैं वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इस वक्त वर्ल्ड में जो एक्टिव केसेस है 7.354 मिलियन लोग इस वक्त एक्टिव है कोरोना के अंदर और जिन लोगों का इंतकाल हुआ है वो तकरीबन 950,000 लोगों का इंतकाल हो चुका है, 948,000 लोगों का तकरीबन इंतकाल हो चुका है जो रिकॉर्ड पे आ गए हैं। और जो लोग रिकवर हुए हैं माशाल्लाह बड़ी तादाद है, 21.95 मिलियन लोग जो है रिकवर हो चुके हैं, शिफायाब हो चुके हैं, ठीक ठाक हो चुके हैं, अपने घरों को जा चुके हैं। एक सफलता है, बड़ी कामयाबी है। इसके अंदर अभी भी दुआ करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरह सऊदी अरब ने माशाल्लाह कोरोना के ऊपर कंट्रोल किया है दुआओं से और सब कुछ जो है अवेयरनेस दे के, इस तरह पूरी दुनिया में सऊदी अरब से पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए और अपने अपने जगहों पर जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए और साथ साथ ऊपर वाले से दुआएँ भी करना चाहिए। गुज़िश्ता रात हैदराबाद दक्कन इंडिया में जो बारिश बरसी थी जिसकी वजह से पानी जो है रोडों के ऊपर ऐसे बह रहा है जैसे कि नदी या दरिया, और उसका बहाव इतना तेज़ है कई मोटरसाइकिलों को बहा दिया। जिस तरह हम जिद्दा में देखते हैं कि भाई कारें बह जाती है पानी के अंदर, कारें बह जाती है, बड़े बड़े 40 फीट के ट्रक बह जाते हैं, कंटेनर बह जाते हैं। और पिछले मर्तबा हम आपको दिखाए थे कराची के अंदर बड़े बड़े कंटेनर बह रहे थे, आज हम आपको हैदराबाद के अंदर दो पहिए का वाहन मोटरसाइकिल वगैरह बह रही है। आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ी देर में देखेंगे कारें भी बह रही है, लेकिन कारें कम है वहाँ पे बनिस्बत मोटरसाइकिलों के, मोटरसाइकिलें आपको बहती हुई दिखेंगी, लोग भी है इसके अंदर। और पिछली मर्तबा हम आपको बताए थे, सबसे पहले हम ही आपके सामने खबर रखे थे कि भाई कई घर वहाँ पे जो है दीवारें गिर गई जिसकी वजह से दो लोग मर गए और एक औरत अपने बच्चों को बचाते बचाते खुद जो है
पानी के अंदर गिर के जो है भाई गई और वो मर गई, उसके बच्चे तो बच गए और कई लोग जो है उसके अंदर बह गए हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप बराबर दुआ करते रहें, हालात बहुत गंभीर है क्योंकि पानी जिस तरह से बहा है काफ़ी लोगों का इसके अंदर नुकसान हो गया है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर किस कदर पानी का बहाव तेज़ है, मोटरसाइकिल जा रही है पानी के अंदर, हालांकि पानी दिखने में एक चुल्लू भर पानी दिख रहा है जिस तरह हम जिद्दा की सड़कों पर देखते हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना प्रेशर है आप लोग भी उसको संभाल नहीं पा सक रहे हैं और जिसकी वजह से जो है गाड़ी है। और अब देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर किस तरह संभाले जा नहीं सक रहा है और मोटरसाइकिलें बह जा रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है गाड़ियाँ इसके अंदर बहती आपको नज़र आ रही है। और ये सिलसिला जो है मेहदीपट्टनम में है, टोली चौकी में है और कई इलाक़ों में ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों सऊदी अरब ने कई लोगों को, कई स्टूडेंट जो सऊदी अरब में पढ़ रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं या जो कोई भी स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कॉलरशिप दे रही है। हमारी रिक्वेस्ट उन बच्चों से जो यहाँ के तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में हो या यहाँ के जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे जो है ज़रूर लिखें और इनसे पूरा पूरा जो स्कॉलरशिप है वो ज़रूर ले फॉर्म फिलअप करके। दोस्तों एक और एक खबर हैदराबाद से आ रही है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मछली हैदराबाद में आजकल ज़्यादा खाई जा रही है और ये मछली हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में मिलती है। हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, रेतु बाज़ार में, मेहदीपट्टनम में, मुशीराबाद में, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे ये मछली जो है मिलती है और ये मछली को चंद मफाद परस लोग 40 किलो गोश्त को बढ़ाकर 55 किलो गोश्त कर डालने के लिए कई किस्म की अद्वियात और केमिकल मिला रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बीपी बढ़ रहा है और मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे मछलियां अगर आप देखते हैं, स्पेशली बोनलेस मछली, तो आप लोग थोड़ा एहतियात करें और हैदराबाद की जो मशहूर मछली है मरल, उसको खाए और देख समझ के इस्तेमाल करें। और अगर हो सके तो दरिया के पास जो लोग मछली ख़रीद के बेचते हैं उसको ले, ताकि आपको उसका भरपूर फ़ायदा हो। दोस्तों सोने का भाव अभी थोड़ा सा गिर गया है, कल 236 रियाल पर 24 कैरेट था, आज जो है 234 हो गया, 2 रियाल ऑलमोस्ट नीचे रेट आ चुका है। आज थोड़ा अच्छा हुआ लेकिन परसों के मुकाबले में फिर भी ज़्यादा है। अब देखिए आप 24 कैरेट का रेट है 234.54 हलाला सऊदी रियाल और 22 कैरेट का रेट है 215 रियाल और 21 कैरेट का रेट है 205 रियाल। ये रेट अभी सऊदी अरब के मार्केट का है। दोस्तों हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं, सावधान रहे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपने घरों के सामने अपनी गाड़ी को वॉश मत कराएं, आपके हारिस से या खुद आप या किसी और को देख के हरगिज़ हरगिज़ मत कराएं। अगर पुलिस वाला चेक करा या बल्दिया वाले ने देख लिया तो आपको 1000 रियाल फ़ाइन पड़ेगा। जी हाँ, 1000 रियाल फ़ाइन आपको पड़ सकता है। अगर बल्दिया वाले या पुलिस वाले अगर आपको देख लिए तो 1000 रियाल फ़ाइन पड़ सकता है। लिहाजा आप लोग अपने हारिस को बता दें कि भाई घरों के सामने मत करे। आपके लिए बेस्ट प्लेस है इसकी जो पेट्रोल पंप के अंदर वॉश करते हैं वही जगह बेस्ट है, दूसरी और कोई जगह बेस्ट नहीं है। और किसी के घर के सामने अगर आप उल्टी सीधी पार्किंग करेंगे, उस दरमियान में अगर पुलिस वाला शुरता आके देख लिया तो फिर आपको चालान कर सकता है। और अगर आप सावधानी नहीं बरते, अगर आप एहतियात नहीं करें, तो फिर आपको जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। अगर ये जुर्माना एक महीने में नहीं भरे तो दूसरे महीने में डबल हो सकता है। इसके ऊपर जितनी एहतियात करें उतना आपके लिए अच्छा है। दोस्तों फ्लाइल नेट ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है, हैदराबाद से जिद्दा 23 सितंबर के दिन फ्लाइट रेडी रहेंगी और उसी तरह हैदराबाद से रियाद और हैदराबाद से दमाम, ये फ्लाइटें इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए फ्लाई नेट की बिल्कुल रेडी है। लेकिन ये सारा कुछ
डिपेंड है गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऊपर, जैसा कि मैं कल के अपने तबसरा व्यूज ऑन न्यूज में बता चुका हूँ कि कोई भी ऑनलाइन टिकट अगर आप लेंगे तो उसको गवर्नमेंट का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। वही फ्लाइट यहाँ पे आएगी जिसको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, और ये तमाम फ्लाइट्स इंडियन एम्बेसी के थ्रू ही लेना टिकट सबसे बेस्ट है। ऑनलाइन टिकट लेना अपने आप को फंसाना है, पैसे तो मिलेंगे लेकिन सेम टाइम पे नहीं मिलेंगे। आपसे गुजारिश है कि फ्लाई नेट का अगर आप टिकट ले रही तो आप ले सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड है, इन लोगों ने साफ साफ बता दिया है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, अगर आप आना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सबसे पहले इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए दो दिन का यानी 48 आवर्स का PCR कराए, जिसमें कोविड का टेस्ट होता है। और अगर सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं तो 3 दिन का 72 आवर्स का कोविड का टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हैदराबाद से जिद्दा या रियाद या दमाम आ रहे हैं तो आपको 2 दिन का PCR कोविड टेस्ट कंपलसरी अप्रूव सऊदी अरब के अप्रूव हॉस्पिटल्स में ही कराना होगा। और दूसरी बात यह है कि फ्लाइट से जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे सऊदी अरब के, आपको दोबारा टेस्ट होगा PCR का, दोबारा कोरोना का टेस्ट होगा। उसके बाद आपको घर का क्वारंटाइन के लिए हुक्म होगा, यह सब के लिए पालन है। दोस्तों अब हम सीधे मक्के शरीफ चलते हैं। मक्के शरीफ में फरहान भाई हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, हम उनसे ये जानेंगे कि आज जुमा कौन पढ़ा रहे हैं मक्का में और मदीने में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। फरहान भाई हमको प्लीज बताइए आज जुमा कौन पढ़ा रहे हैं हरम शरीफ मक्का में और मदीने में। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु मुस्तफा भाई। इंशाअल्लाह ताला सुबह जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह फर्स्ट सफ़र 1442 इंशाअल्लाह 18 सितंबर 2020 को मक्का मुकरमा में इंशाअल्लाह ताला शेख उसामा खयात जुमा पढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला मदीना मुनव्वरा में शेख सलाह बुदेर इंशाअल्लाह ताला जुमा पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला सबका जुमा कबूल करे और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम।